वो मुझे करने बोला कि मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ वहां से सरप्राइज। क्या लिया हुआ दिखा यार, किसके लिए लिया दिखा जरा। तो रिश्ते जो है अच्छे बने रहते हैं हमेशा ना। तो हम यहाँ पर आते थे डेट पर, क्योंकि ये तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड है। प्रूफ भी रखा है। हाँ, प्रूफ रखना पड़ेगा भाई, बगैर प्रूफ के कुछ नहीं होता आजकल, कुछ नहीं होता है। स्पेशली सुबह सुबह मिला आई हूँ इस चीज, इस एक्सपेरिमेंट को करने के। हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट। पहले तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। नवरात्रों का कौन सा डे चल रहा है? सिक्स्थ। सिक्स्थ आज सिक्स्थ है। सिक्स्थ डे चल रहा है, लेकिन मेरा फास्ट तो मैंने 2 दिन रखा था, उसके बाद नहीं रख पाई। आज हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले कि ये मेरी एक मॉइस्चराइजर की बॉटल है, तो इसमें इतना मॉइस्चराइजर बचा है अभी, और इसकी जो ये है इसमें आता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ इसे काटूं और फिर उसे पूरे को यूज करूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मॉइस्चराइजर और मुझे लगता है कि वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सारा है। देखो तो चलो आते। तो सैंडी का एक्सपेरिमेंट करना चाहती है कि बोली इसको ना पूरे उससे क्या करेंगे, गर्म चाकू से इसको काट देंगे बॉटल को और पूरा यूज करेंगे इसका, पूरा यूटिलाइजेशन। स्पेशली सुबह सुबह मिला आई हूँ इस चीज, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, क्योंकि कल सोच गई थी यहाँ से। बहादुर भाई एक एक्सपेरिमेंट करने की है। एक्सपेरिमेंट ये है, एक मोटा सा एक चाकू लेके गर्म चाकू करके इस बॉटल को आधा काटने की है, और इसमें जो भी मॉइस्चराइजर उसको यूज करने की है। क्या वेस्ट नहीं करने वाले, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है और उसमें निकल नहीं रहा है। ये बहादुर मैं इसको रिस्पांस नहीं दूंगा। तो ये देखो भाई इसके अंदर है तो बहुत सारा, वैसे है नहीं इतना, तो मैं तो फेंक देता इसको। कितना स्मूथली कट रहा है, थोड़ा सा और गर्म करना पड़ेगा मिला एक बार, है ना। मुझे तो लग रहा है बहादुर भैया का इसमें एक्सपेरिमेंट वो है, चाकू गर्म करके लोगों के गले काटती थी। बहुत ही स्मूथली कट रहा है ये बॉटल, पहले ज्यादा अरे हिमाचल की लैंग्वेज है, एक मैंने भी देखा है परे जैसे को, ऐसे जैसे को, है ना, जैसे नीचे जैसे को रहते हैं वो लोग, ऐसे है कुछ इसमें एक बार का। अभी तो इससे 2 दिन चला लू सक्सेसफुल। अब इसको यूज हाँ क्या जी भैया, किस बात के और आज तक दिए नहीं वापस? इसने मुझे दिए नहीं आपका, ये तो झूठ है। झूठ नहीं है, क्या मेरे पास सगली चीज है। आपके पास अगर इनके 500 रुपए भी होते तो अभी तक आप ले लिए होते। इससे ज्यादा क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ प्रूफ भी रखा है। प्रूफ रखना पड़ेगा भाई, बगैर प्रूफ के कुछ नहीं होता आजकल, कुछ नहीं होता है। देख इस शक्लों के मैंने कहां कहां कितने रुपए दिए हैं, शक्लों की स्टेटमेंट है, इसके खाते में 1,40,000 रुपए दिए मैंने। लाओ दे दो वापस। मैं कह रहा हूँ एक किडनी ले लो। किडनी ले लो है, किडनी ले लो और काम खत्म करो। बताए पहले आते ही थोड़ा, एक किडनी मेरी कितने की जाएगी। हेलो गाइस, सो मैं और करण आ जाए हैं खान मार्केट आफ्टर सो मेनी डेज। तो पहले तो करने बोला मुझे इतनी भूख लग रही है, पहले तो कुछ खान चल फिर एक्सप्लोर करनी है ना, बहुत जल्दी। तो मैं कैफे में आया, तो यहाँ पे तो पता ही है लोग के ऊपर चढ़ चढ़ के कैफे आते हैं। हम देखते हैं अंदर जाकर तो क्या खा सकते हैं हम। A few moments later आगे आ चुके हैं। कैसा लगा तुम्हें? बहुत मस्त, और कैमरा इतना गंदा हो रहा है, गजब। लो तुम्हें हमेशा कैमरा से बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, एकदम। आज तुमने कितना खाया? पूरा एक पिज्जा खाया आज तुमने, पूरा एक पिज्जा। 3 पास्ता मैंने, हाफ पास्ता वो। चलो चलो हम घूमते हैं खान मार्केट में। यहाँ पर मैंने भाई ने बहुत सारी मीटिंग्स करी है बैठकर खान मार्केट में। मैं सोच रही हूँ ये कैसे, ये मीटिंग करने की प्लेस तो लग नहीं रही है। बहुत अच्छा हो रहा है मौसम भी, है ना, घूमने वाला। देखो यहाँ पे फोन कवर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, वैसे तो अच्छे मिलते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी मिलते हैं, क्योंकि ये तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड है ना।
फिर भी हम ट्राई करते हैं बार्गेनिंग करने का थोड़ा सा। इधर है ना सूट टाइप के, उस टाइप लेने हो तो कुछ। और संडे की शॉपिंग इधर स्टार्ट हो चुकी है, अच्छा लग रहा है देखने। तुम इतना प्यारा हो गया एकदम से, है ना यार। देखो यहाँ पे बुक स्टोर भी है, मौसम अच्छा है। और हम स्टोर लग रहा है कि मौसम ऐसा हो गया कि बारिश पड़ने वाली है पांच, पर लाइटिंग तुम पता कितने प्यारे लग रहे हो। क्या बात है, ये बात कभी की लाइटिंग प्यारे लग रहे हो। हाँ ये लाइटिंग अच्छी आ रही है। वैसे तो हो ही, और क्या। देखो ना अभी याद आई एक बात, जब हम डेट कर रहे थे ना उस टाइम पर, हम यहाँ पर रिलेशनशिप के इनिशियल डेज में, बहुत मतलब 5-6 डेज बाद की बात बता रही हूँ। तो हम यहाँ पर आते थे डेट पर, एंड हम एक यहाँ पे बैठते, मुझे याद नहीं है वो कौन सा रेस्टोरेंट था लेकिन कैफे था, वहाँ पे बैठे रहते और हम ना हमारी बातें ही खत्म नहीं होती थी। हम कम से कम 4-5 घंटे वहाँ पे बैठे हुए थे, और बैठे बैठे बातें कर जा रहे हैं, बातें कर जा रहे वेटर था ना, वो ऐसे सोचा था कब उठेंगे यहाँ से, क्योंकि उनके ना कस्टमर्स आ जाते बहुत अच्छा टाइप का कैफे था जिसमें चलती फिरती भीड़ थी, तो वो हमें ऐसे देता था और हमें हम भीटों की तरह वहाँ बैठे रहते बहुत देर तक। फिर उसके बाद भी हम ना हमारी बात खत्म हुई, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया। हम कहाँ गए, क्लैरिजेस उसी दिन, हाँ क्योंकि हम हमें वहां से उठना पड़ा शर्म के मारे। सैंडी क्या मिला अब तक, अब तक ये मिला है खाली एक सूट मिला अभी तक सैंडी को इतना टाइम। हाँ और मेरे हिसाब से गाड़ी को हमको कॉल कर लेना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, भाग लेते हैं अभी यहाँ से चले। खराब हो रहा है यार, खराब हो गया, तुरंत मेरे को गाड़ी कॉल करना, जल्दी बुला लो जल्दी, भैया जल्दी। ओह माय गॉड, वाओ देखो 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 बारिश होने लगी है। हाँ। है ना, आंधी आंधी भी, आंधी सी आ रही है। हाँ और बारिश भी हो रही है, आंधी भी आ रही है, मौसम बिगड़ गया भाई, और आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर हुआ भाई ये। मैं बताऊंगा संडे के ब्लॉग में बनाऊंगा। एहे बता कैसा लग रहा है, बढ़िया, पर धूल आंखों पे गिर रही है। पीछे पता लग रहा है कि कितनी आंधी चल रही है, देखो पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, भी आंखों में गिर रही है। हाँ बहुत, हाँ मार्केट कैफे टाइप की जगह है ना, तो मुझे लगा था मैं चेंज करके आऊंगी। गाड़ी आ गई हमारी, चलो 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 भागो भागो, चलो चलो भागो 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 भाग जल्दी भागो, हमारी गाड़ी आ गई आ गई, चलो चलो इधर से बैठ जाओ तुम पास से, भूल मत बसाओ, चलो बैठ। इतनी देर में ट्रैफिक सा लग गया कहीं से, बारिश होनी शुरू हो गई भाई। मंगवा दी, खुलवा दी, नेक्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है चलते टाइम देख ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन हो गई, क्योंकि वो हो गया ना बहुत ज्यादा अंधेरा, अंधेरा सा हो गया ना यहाँ पर, बहुत देखो कैसे लग रही है स्ट्रीट, पत्ते पत्ते हैं सब जगह, पत्ते उड़ रहे हैं भाई। गाइस देखो इसका हेलमेट कैसा है यार। Day 2. Hello guys, इतने दिनों बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड एज यू कैन सी मैं अपने ऑफिस में हूँ, आज करण नहीं है मेरे साथ बिकॉज करण गए हुए मीटिंग से गोवा, पाई भी वहीं पर ही है, तो मैं ऑफिस आई हूँ देखने की कैसा काम चल रहा है, क्या क्या कुछ चल रहा है अभी, क्योंकि इससे पहले ईद थी तो ईद में बहुत सारे लोग छुट्टियों पे चले गए थे, तो काम थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, बट अब दोबारा से चालू हो गया है। अभी आपको भी दिखाती हूँ कि कितना काम हो चुका है, और बहुत खुशी होती है ऐसे काम देखकर। एंड मौसम आज वैसे ही है, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी है तो इसीलिए गर्मी तो है ही, बट हाँ धूप थोड़ी कम है। ये देखो यहाँ पर ये जो हॉल सा बना है, ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, एंड सीलिंग का काम अभी धीरे धीरे हो रहा है, बट हाँ बाकी अभी इसमें सारे केबिन्स वगैरह बनेंगे, वो अभी बनने शुरू नहीं हुए हैं, बेसमेंट में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आकर जब देखते हैं ना कि ये बन चुका है, वो बन चुका है, ग्रोथ देखते हैं तो इतनी खुशी होती है सच में। एंड गाइस मैंने आज ये क्यूट सा आउटफिट पहना है, समर्स में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइट चिपके हुए क्लोथ्स पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे पसंद है लूज फिटिंग, सॉरी नॉट फिटिंग, लूज लूज वाले कपड़े, तो मैंने ये कुर्ते लिए थे लूज लूज, तो यही मैं पहन कर आई हूँ अभी यार। और इससे पहले मैं बताऊँ कि मैं नोएडा गई थी, कुछ काम था मेरा वहाँ पे अपना पर्सनल, तो हम ना कल मॉल भी गए थे तो हम अपना एक बैग भूल आए थे DLF में, तो मैं वो भी लेकर आई, 3-4 काम नोएडा में थे मेरे, वो मैं करके आई हूँ अब अपने यहाँ पर। अब मैं जा रही हूँ ऊपर के फ्लोर्स पे देखने कि वहाँ पर क्या क्या हुआ है। ऊपर के फ्लोर्स पे तो सिर्फ सीलिंग और एसी का काम हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। जैसे ये देखो यहाँ पर एसी और सीलिंग का काम अभी शुरू होगा, वायरिंग हो चुकी है सारी। भैया ओ क्या क्या लिया संडे के लिए, है क्या 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 लिया संडे के लिए ये बता दो। दो वो है इसमें, दो लिपस्टिक है, अच्छा दो लिपस्टिक है और ये बैग है, अच्छा और यहाँ से हमारी छोटी मोटी चीजें अपना ले ली संडे के लिए। अरे भाई करण
क्या लिया हुआ दिखा यार, किसके लिए लिया दिखा जरा, देखो इसने सैंडी के लिए वो लिया है, क्या है लिपस्टिक, दो लिप शेड। हाँ अच्छी है, बात है लेनी चाहिए। और ये सलाह किसने दी? भाई ने। मैंने मैंने कहा मैंने कि जाके लेके आ, मैंने कहा कोई कहीं जाते, मैं भी कहीं जाता हूँ तो भम्मू के लिए लेके जाता हूँ, मार मार के भेजा जा दो लेके आ। हाँ वो खुश होगी ना, ये करना चाहिए बेटा हमेशा, पता है। और ये है इस समय गोवा एयरपोर्ट पर, अभी गोवा एयरपोर्ट से करने खरीदा, और देखो अभी ये सामान में रख रहा है। मैंने इसको कहा है कि ऐसे सामान ले जाते, गिफ्ट ले जाते हैं ना, तो रिश्ते जो है अच्छे बने रहते हैं हमेशा ना, मतलब खुशी होती है, मतलब ये नहीं है इससे कुछ होता है, उसमें क्या खुशी होती है, अगर दूसरे अपने उसको कहते हैं अपने पार्टनर को ये लगता है कि हाँ ये मेरा ध्यान रखता है, इसको बाद में भी मेरी ध्यान रहती है, ये है ये। गुड टुमारो गाइस, मैं आई हूँ विला में और करण कल गए हुए थे पूरे दिन, तो मुझे करण ने बोला कि मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ वहां से सरप्राइज। ये कलर बार का। अच्छा मैं कलर बार क्यों लगाया, क्योंकि वहां पे एक ही ब्रांड थी एयरपोर्ट पर कलर बार, हालांकि मुझे पता थी और भी ब्रांड्स हैं अच्छी अच्छी जो लगाती है, बट वहां पर यही था तो मैं यही। कितने क्यूट है यार ये किट भी, दिखा ना। तो तुमने सिलेक्ट कैसे करा शेड यार? यार दो शेड सेम तो मिले नहीं? नहीं अच्छा, अलग अलग है। हाँ अरे वाओ यार, मैंने उसको बोला ये दिखाओ ये दिखाओ, तो बोले उसने बोला जो दिखा रही थी ना सर इसमें देखो इसमें देखो, मुझे बाकी तो कुछ पता नहीं था, पर मुझे पता था कि कुछ ऐसा होता है, मैंने उसको बोला रुको ट्रांसफर प्रूफ दिखाओ, तो बोले ट्रांसफर प्रूफ हाँ ऐसा कुछ होता है, मैंने वो दिखाओ, तो फिर वो उसमें ये थी और किट भी मिली उसके साथ साथ। एक किट पहली बार करण मेरे लिए कभी लिपस्टिक लाए हैं, थैंक यू।